सभी को, मैं हूं राहुल नारेकर और मैं अपने नाना नानी के साथ आया हूं यहां पर द्वारिकाधीश चार धाम में से एक धाम, जैसे कि हमने पहले किया 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी के दर्शन। तो अभी हम लोग आए सोमनाथ जी से 400 किलोमीटर दूरी पर द्वारिकाधीश मंदिर जो कि दर्शन करने। और तो हम हैं गोमती नदी के घाट पर और हम लोग ने अभी स्नान वगैरह कर लिया है, जैसे कि आपने मेरे पुराने सिनेमैटिक शॉर्ट्स देखे होंगे। और मैं मिनी व्लॉग्स भी बना रहा हूँ और मैं नाना नानी जी को लेकर लिख रहा हूँ मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए और साथ ही साथ चारों धामों के। तो आप सब लोग सपोर्ट करें और आगे देखते हैं हम द्वारिकाधीश के दर्शन करेंगे। और यहाँ पे कुछ कुछ जगह है घूमने की, जैसे कि भेड़ द्वारिका, नागेश्वर जी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, 8वें या 9वें नंबर पे स्थान है उनका, तो वो भी देखने चलेंगे। तो इसी व्लॉग में बने रहिएगा और चलिए चलते द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए और आगे देखते हैं। राधे राधे। फाइनली मैं अभी चार धाम में से एक धाम जो कि है द्वारिकाधीश महाराज हम लोग आज दर्शन करने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर आप लोग भी द्वारका आने का प्लान बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे द्वारका का खुद का एक रेलवे स्टेशन है, तो आप वहाँ तक की ट्रेन कर सकते हो। अगर आपको यहाँ तक की ट्रेन नहीं मिल रही तो आप अहमदाबाद रेलवे स्टेशन तक की भी बुक कर सकते हो और वहाँ से आप बाय बस या कैब आ सकते हो। और आप लोगों को नियरेस्ट एयरपोर्ट राजकोट पड़ेगा, तो आप उसके माध्यम से भी आ सकते हो और यहाँ पर दर्शन कर सकते हो। बाकी एयरपोर्ट से आपको बाय बस या बाय कैब आना पड़ेगा। आप अगर द्वारका में एक दिन का रुकने का सोच रहे हो तो आपको सबसे सस्ते होटल और धर्मशाला यहाँ पे मंदिर के इर्द गिर्द ही मिलेगी। ये थी कुछ यहाँ की जानकारियाँ। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए। फिलहाल मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हूँ और बस मैं अपने नाना नानी के साथ मैं चल रहा हूँ द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए। चलिए चल। गाइस, द्वारिकाधीश महाराज के मंदिर के शिखर के दर्शन। चेक दिस आउट, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। हे प्रभु। अंदर से दर्शन करा नहीं पाऊंगा क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मैं फिलहाल मोबाइल ही जमा करने जा रहा हूँ। मोबाइल काउंटर पे मोबाइल जमा होता है, तो फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं मोबाइल काउंटर पे जमा करने। मोबाइल काउंटर की सेवा यहाँ निशुल्क है। हम लोग कर रहे हैं द्वारिकाधीश के दर्शन, तब तक कि मैं आपको इस मंदिर का इतिहास बताता हूँ। द्वारिकाधीश मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर भारत के गुजरात के गोमती नदी के तट पर द्वारिका में स्थित है। 5 मंजिला इमारत और 72 स्तंभों के साथ यह मंदिर जगत मंदिर या निज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर लगभग 2200 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ जी ने करवाया था। और आप अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। हमारे जो दर्शन हुए ना, मैं आपको मैं बयान नहीं कर पा सकता हूँ कि क्या दिखा हूँ मैं। आप प्लीज आप लोग भी जरूर आए, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है और मेरे भाई बहन, सभी को मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग जरूर द्वारिकाधीश के दर्शन करें एक बार। बस चलते हैं हम लोग खाना खाने के लिए, इसकी बहुत तकलीफ है। द्वारिकाधीश महाराज की जय। तो राधे राधे दोस्तों, मैं जैसे कि आपने कल द्वारिका के दर्शन करे और द्वारिकाधीश महाराज के दर्शन करे, जो मैं अंदर से तो करवा नहीं पाया आप लोगों को, बट मोबाइल अंदर अलाउड नहीं था ना, तो हमने बाहर से दर्शन करे और हमने बहुत सारी जगह घूमे और हमने तो अंदर से दर्शन करे, हमने जो फील करे वो मैं आपको जता नहीं सकता हूँ लफ्जों से। और अभी हम लोग जाने वाले है नागेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वें नंबर के स्थान पर जो ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसके दर्शन करने। और साथ ही साथ इसी के साथ हम करेंगे दर्शन भेड़ द्वारिका के, गोपी तालाब के और रुक्मणी जी के मंदिर के। तो आप अभी हम लोग जाने वाले ट्रिप, अभी हम लोग फाइनली तैयार वगैरह रेडी वगैरह हो गए नाना नानी, और कैमरामैन जो है हमारी मम्मी है। तो फिलहाल मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। अभी हम लोग फिलहाल नागेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वें नंबर के ज्योतिर्लिंग प्रथम दर्शन करेंगे। अभी इस वीडियो में आप बने रहिएगा और प्लीज गाइस सपोर्ट दिखाइएगा, बिल्कुल आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और भगवान की कृपा तो हो ही रही है, बट आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा चाहिए। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में मेरे ब्लॉग शेयर करें और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। फिलहाल अभी चलते हैं नागेश्वर जी के दर्शन करने के लिए, तो आगे बढ़ते हैं ज्योतिर्लिंग की तरफ।
राधे राधे। तो गाइस मेरी कैमरामैन मेरी मम्मी, वैसे मेरे साथ अभी एक दोस्त आने वाला था बट उसका फाइनली अभी कैंसिल हुआ, तो मेरी मम्मी तो ऑब्वियसली कैमरामैन है मेरी हमेशा से ही। आपने जब भी मेरे व्लॉग देखे होंगे बड़े बड़े, तो उसमें मेरी मम्मी आधे से टाइम मेरी मम्मी मेरी मदद करती है भाई। तो फिर आगे चलते हैं, अभी फिलहाल हम लोग दर्शन करने नागेश्वर जी भेट के। द्वारिका तक जाने के लिए टैक्सी या ऑटो करना होगा, तो हमने ऑटो करा है। हम लोग चल रहे हैं अभी ऑटो से, और इसका किराया लगभग 1000 से 1200 रुपये पड़ेगा। तो गाइस हम लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वें स्थान पर है, उनके लिए निकल चुके थे, बट रास्ते में आते भड़केश्वर महादेव जी का मंदिर आता है, तो हम लोग अभी वही देखने के लिए रुके हैं और आपको भी दिखाते हैं। फाइनली अभी चलते हैं भड़केश्वर महादेव के मंदिर में, और चेक दिस आउट यहाँ का व्यू, और सब चल रहे हैं मेरे आगे। फिलहाल अथाह समुन्दर के बीचों में है भड़केश्वर महादेव जी का मंदिर, अभी हम लोग चल रहे हैं दर्शन के लिए, और ये कुछ शिवलिंग के आकार का ही है। चेक दिस आउट, तो हमें फाइनली दर्शन प्राप्त होते हैं भड़केश्वर महादेव जी के। यह मंदिर द्वारका मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ पर भगवान के दर्शन बाकी तो हमेशा हम धन्य हो जाते हैं। और भाई अद्भुत दर्शन है, और यहाँ का अद्भुत व्यू। फाइनली हमने भड़केश्वर महादेव जी के दर्शन कर चुके, और दर्शन करके तो हमेशा धन्य हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं हम लोग। One eternity later. फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं देवी रुक्मणी के मंदिर में, और अभी करते हैं अंदर दर्शन करके, और आपको भी कराते हैं। ये रास्ते में पड़ता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, आप जो जाते हैं उसके रास्ते में पड़ता है देवी रुक्मणी जी का मंदिर, जो कि द्वारिका की सीमा से बाहर है। और अभी फिलहाल करते हैं रुक्मणी जी के दर्शन, आप जो देखिए सिनेमैटिक चेक करें। तो माता रुक्मणी जी का मंदिर द्वारका की सीमा से क्यों बाहर है, इसके पीछे कहानी, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक समय की बात है, माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण ऋषि दुर्वासा जी से मिलने के लिए पहुंचते हैं, और वहाँ पे माता रुक्मणी जी ऋषि दुर्वासा जी को महल में आने का निमंत्रण देती है। तब ऋषि दुर्वासा जी निमंत्रण तो स्वीकार कर लेते, पर वह एक शर्त भी रखते कि अगर रुक्मणी माता और श्री कृष्ण भगवान उनका रथ खींचेंगे स्वयं, तो अभी वह महल आएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी माता तैयार हो जाते हैं, दुर्वासा जी का रथ खींचने लगते, पर माता रुक्मणी को प्यास लग जाती है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है, और भगवान श्री कृष्ण वहाँ गंगा प्रकट करते हैं। माता रानी अपनी वहाँ प्यास बुझाती है, पर बाहर यह दुर्वासा ऋषि को बात पसंद नहीं आती, क्योंकि माता ने दुर्वासा ऋषि से आज्ञा नहीं ली थी। इसी क्रोध ऋषि दुर्वासा माता को श्राप देते कि वह कृष्ण से विलीन रहे। कुछ ऐसी थी यहाँ की कहानी। फाइनली गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं रुक्मणी माता मंदिर, और अभी हमने दर्शन कर चुके हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं आगे की ओर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। A few moments later. भेट द्वारिका अब जाने से पहले रास्ते में हमें मिलती है गोपी तालाब, तो अभी चलते हैं उसके दर्शन करते हैं, और आपको भी करवाते हैं गोपी तालाब के दर्शन। हमने तो नागेश्वर महाराज जी के दर्शन करे रास्ते में, और भेट द्वारिका जाने से पहले गोपी तालाब भी पड़ता है, तो आप लोग अगर भेट द्वारिका जाने का नक्की कर रहे हो तो आप गोपी तालाब भी आ सकते हो। हम लोग भी आए हैं, और आपको ऑटो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई साधन नहीं है आपको जाने के लिए, या ऑटो या बाइक या रेंटल टैक्सी करना पड़ेगा। फिलहाल अभी चलते हैं गोपी तालाब के दर्शन करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग गोपीनाथ जी भवन में प्रवेश करने जा रहे हैं मुख्य मंदिर में, तो चलो चलते हैं अभी आगे। तो गाइस ये है गोपी तालाब जो मेन है। यहीं पर लास्ट राजलीला रची थी कृष्ण भगवान ने, और यहां से गोपियां विलीन हो गई थी ऐसा माना जाता है यहां पर। इसके पश्चात हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करेंगे और दर्शन करेंगे भेट द्वारिका के, जो कि मैं आपको करवाता हूं आगे रास्ते में। अभी फिलहाल चलते हैं भेट द्वारिका की ओर, यहां पे हमें गोपी तालाब के दर्शन हो चुके हैं अच्छे से, अभी फिलहाल चलते हैं आगे की ओर। हम लोग पहुंच चुके हैं भेट द्वारिका, और यहाँ पर ही कृष्ण जी और सुदामा जी की भेंट हुई थी सबसे पहले। अभी फिलहाल हम लोग चल रहे हैं अंदर भेट द्वारिका में, और अभी आगे चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं, और हम भी दर्शन करते हैं भेंट द्वारिका के। हमारा सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ आ पाए। 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए निकले थे, 4 धाम यात्रा के लिए, दोनों के लिए, तो जिसमें से भेंट द्वारिका रास्ते में पड़ती है, और ऐसे बहुत बड़ी बड़ी जगह हमसे मिस हो जाती है, बट हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सब अटेंड कर रहे हैं।
हम लोग अभी चल रहे हैं भीड़ द्वारिका के दर्शन करने के लिए, तो चलो चलते हैं भीड़ द्वारिका के दरवाजे से, द्वार से। तो चेक दिस आउट, ये है भीड़ द्वारिका का मेन दरवाजा। और फाइनली कुछ ही देर बाद हमको दर्शन होंगे कृष्ण जी और सुदामा जी के। चेक दिस आउट, ये हम लोग गेट पे, बस कुछ ही समय पश्चात हमें दर्शन होंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड गाइस, चलो चलते हैं अभी फिलहाल अंदर। द्वारकाधीश महाराज के दर्शन करने के दर्शन हो चुके हैं द्वारकाधीश महाराज के, और अभी हमें फाइनली हमारा मोबाइल मिला। अभी फाइनली हम चलते हैं रूम। आज के हमारे दर्शन जितने भी थे वो संपन्न हुए। मैं आपको सिनेमैटिक शॉट समझा देता हूँ, बाकी यहाँ बहुत शोर हो रहा है, मुझे बोलते भी नहीं जम रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस, भेट द्वारिका का इतिहास कुछ इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अपनी सभा लगाते थे और यहाँ पर उनका विश्राम गृह था। भगवान श्री कृष्ण से मिलने उनके मित्र सुदामा जी आए हुए थे, तो सुदामा जी को द्वारपाल रोक देते और अंदर नहीं आने देते। यह बात जब कृष्ण जी को पता चलती तब वहाँ दौड़कर सुदामा जी को मिलते हैं, और इसी कारण इस स्थान भेट द्वारिका के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर तीन मुट्ठी चावल का बहुत महत्व है, और यहाँ पर सब भक्त लोग तीन मुट्ठी चावल लाते हैं भगवान श्री कृष्ण को और सुदामा जी को चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर बहुत अंदर विशाल मंदिर भी है, और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए, हम लोग ने फाइनली दर्शन करे, और आप लोग भी जरूर आइए। फिलहाल हम लोग चलते हैं अभी। द्वारकाधीश महाराज की जय। फाइनली हम लोग निकल जाते हैं अपने घर की ओर। द नेक्स्ट डे फाइनली हम लोग आ जाते हैं द्वारका रेलवे स्टेशन पर, और पैर धुले जाते हैं वो भी मामी के द्वारा, क्योंकि यह होता है बुजुर्ग माता पिता जब अपनी यात्रा करके आते हैं तो घर में सब आई जी के पैर धुलते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। देन हम लोग यात्रा करके आए तो फिर फाइनली मेरे भी पैर धुले जाते हैं भाई, क्योंकि मैं एक भांजा हूँ मामी का, तो लौता तो भाई बंदा है, फिर मामी मेरे पैर धुलती है फाइनली, और उसके बाद मैं आई के साथ बैठ। उसके बाद हमारी मुलाकात होती है मेरी सबसे छोटी बहन नैन्सी से, और उसके बाद आई वगैरह प्यार करती है, मतलब बहुत दिन के बाद मिल रहे थे। तो आई होप गाइस आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं अपने नाना नानी को लेकर निकला हूँ ज्योतिर्लिंग चारधाम यात्रा पर, यह मेरा पहला वीडियो था। मिलता हूं आपको जल्दी ही नेक्स्ट यात्रा पर, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।